जय हिंद, नमस्कार मेरे शेरनियों। लाडलू, जब से आंसर की आई एस एस सी जी डी की, हर एक बच्चा इंतजार कर रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल की, मेडिकल की और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। काफी आपने अब तक एनालाइज देखे होंगे जिसमें सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल कट ऑफ तक बताऊंगा, स्पेशली चंडीगढ़ वालों के लिए। ठीक है, जो बच्चे चंडीगढ़ से हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। साथ एक चीज और बता दो लाडलो, आने वाले 1 मार्च से हमारे अकेडमी में मेडिकल बैच शुरू हो रहे हैं, उसकी जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर आ जाएगा तो आप मेडिकल करा सकते हैं, और अगर आप फिजिकल बैच में आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। अगर फिजिकल बैच में आते हो तो आपको मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा, ये भी आपका फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि चंडीगढ़ से तीनों मेरिट, फिजिकल कितने पे जा सकती है, मेडिकल की मेरिट कितने पे जा सकती है और फाइनल मेरिट कितने पे जा सकती है, तीनों के तीनों आंकड़े मैं आपको बताता हूं। ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं मैं आपको बताऊं, 2021 की भर्ती को कंपैरिजन करके बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि 95% या 90% ये बिल्कुल सही करेक्ट होंगे। आप जब रिजल्ट आए तब इन आंकड़ों को देख लीजिए, लगभग 95% तक ये आंकड़े मैच खाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ से पिछली बार हाइएस्ट फिजिकल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 42%। कितने प्रतिशत? 42%। यानी इस बार अगर आप चंडीगढ़ के हैं और जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके 50 नंबर है, कितने नंबर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर 50 नंबर भी आपके हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे क्योंकि पिछली बार आपकी रही थी 42। ये नहीं कहने का मतलब, अगर आप बोलोगे कि सर खींच के बता दो हमको कितने, अगर आपके 56 या 57 नंबर है तो आप फिजिकल देने जरूर जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, मेडिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है सर, और ध्यान रखना है जनरल कैटेगरी के लिए जो एससी एसटी है, ओबीसी है, उनके तो और भी डाउन जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फिजिकल के लिए ध्यान रखना पहली कट ऑफ। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि सर मेडिकल के लिए कितना जा सकती है, तो मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे के लगभग 66 नंबर है या 66 नंबर से ऊपर है या 66 नगर के आसपास है, वो बच्चा मेडिकल देने भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो और भी 2-4 नंबर नीचे आ जाइए। अब बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है चंडीगढ़ से, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल पास हो जाओगे, फाइनल में नंबर नहीं आया तो फिर तो और ज्यादा समय खराब है। चलिए मैं आपको फाइनल के कुछ आंकड़े बताता हूं। 2021 में जो चंडीगढ़ से बीएसएफ की कट ऑफ गई थी वो गई थी 52.90, ठीक है, हाइएस्ट, और लो गई थी 50%। सीआईएसएफ की गई थी 61 पे, एसएसबी की गई थी 57 पे, आईटीबीपी की गई थी 55 पे और असम राइफल की गई थी 54 पे। तो इस बार कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो मैक्सिमम गई थी वो गई थी सीआईएसएफ की और जो सबसे लो गई थी वो गई थी बीएसएफ की। कितने पे गई थी? 52। यानी लगभग जिस बच्चे के 80 नंबर से ऊपर, यानी अगर आप मेरे से एग्जिट आंकड़ा पूछोगे, अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो और अगर आपके 90 नंबर है, यानी 90 नंबर है या 88 या 87 के आसपास नंबर है, तो आप फाइनल मेट आराम से हिट करोगे और आप सिलेक्शन भी पालोगे, यानी सिलेक्शन की दौड़ में आप अवश्य है अगर आप जनरल कैटेगरी से। बाकी सारी कैटेगरियां और लड़कियां इन सब इस कट ऑफ के नीचे रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, यानी 90 से ऊपर जाने के बहुत कम चांस है। तो जिन भी बच्चे के चंडीगढ़ शहर, उसके अगर मान लिख के चलिए कि 90 नंबर वो बच्चा पेपर में लेके आ गया, इसका मतलब है कि उसका स्कोर अप टू द मार्क है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन होना तय है। इसके अलावा लाडलो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखने हैं कि आपके कितने नंबर हैं, ठीक है, और आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी इसके बारे में। साथ ही आप हमारे कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पास जुड़े रहने के लिए कमांडो अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।